पटना एक बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी की आज ईडी में पेशी है, बड़ी जानकारी अहम खबर आपको बता दें। नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ की जाएगी, राहुल गांधी से पहले ही पूछताछ की जा चुकी है। सोनिया गांधी की आज ईडी में पेशी है और सोनिया गांधी से आज पूछताछ की जाएगी। बड़ी खबर अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें। इस वक्त की बड़ी जानकारी, सोनिया गांधी की आज ईडी में पेशी है और ऐसे में कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी की आज ईडी में पेशी, बड़ी जानकारी अहम खबर आपको बता दें। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं जहां कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी की आज ईडी में पेशी होगी और नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ की जाएगी। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं जहां राहुल गांधी से पहले ही पूछताछ की जा चुकी है और सोनिया गांधी की आज ईडी में पेशी होगी। बड़ी जानकारी अहम खबर से आपको रूबरू कराते हैं जहां कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी की आज ईडी में पेशी होनी है। तो बड़ी जानकारी अहम खबर आपको बता रहे हैं जहां पर सोनिया गांधी आज ईडी के सामने पेश होंगी, नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ उनसे की जाएगी और ऐसे में राहुल गांधी से इससे पहले पूछताछ की जा चुकी है और आज सोनिया गांधी से पूछताछ की जाएगी। बड़ी जानकारी अहम खबर से आपको रूबरू कराते हैं जहां पर आज ईडी के सामने सोनिया गांधी पेश होंगी और नेशनल हेराल्ड केस में उनसे पूछताछ की जाएगी। बड़ी जानकारी अहम खबर, कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी की आज ईडी के सामने पेशी है और इससे पहले आपको बता दें आप कोविड से ग्रसित थी सोनिया गांधी, जिसके वजह से ईडी के सामने में पेश नहीं हो पाई थी और तारीख को आगे बढ़ा दिया गया था, लेकिन आज ईडी में पेशी है और सोनिया गांधी आज ईडी के सामने पेश होंगी और उनसे नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ की जाएगी। इससे पहले राहुल गांधी से पूछताछ की जा चुकी है और अब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ की जाएगी। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको बता दें, कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी की आज भी टीम में पेशी होगी। तो ये नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आज प्रवर्तन निदेशालय कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ करेगी। जांच एजेंसी ईडी की ओर से की जाने वाली इस पूछताछ के विरोध में कांग्रेस पूरे देश में प्रदर्शन करेगी। दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय पर भी कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्र होंगे। इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने बुधवार रात पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर अहम बैठक करके गुरुवार के लिए रणनीति पर चर्चा की। इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए भारतीय युवा कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के कई कार्यकर्ता भी दिल्ली पहुंचे हैं, जहां पर विरोध प्रदर्शन उनके द्वारा किया जाएगा। तो सोनिया गांधी की आज ईडी के सामने पेशी है, नेशनल हेराल्ड केस में उनसे पूछताछ की जाएगी और इसी को लेकर आज विरोध भी दर्ज कराया जाएगा और राहुल गांधी से इससे पहले पूछताछ की जा चुकी है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी को आज ईडी के समक्ष पहुंचना है और उनसे तमाम सवाल जो है वो ईडी की तरफ से किए जाएंगे। इस समय हम जनपद रोड पर हैं, 10 जनपद की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सोनिया गांधी का आवास है, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम यहां पर सुबह से किए गए हैं। आप देखिए अकबर रोड की तरफ से जो ट्रैफिक आ रहा है उसको डाइवर्ट किया गया है और कनॉट प्लेस की तरफ अगर ट्रैफिक को जाना है तो डाइवर्ट होकर जाना पड़ेगा। इसी तरह के सुरक्षा के इंतजाम इसके इर्द गिर्द और ईडी दफ्तर इसके अलावा कांग्रेस मुख्यालय के इर्द गिर्द देखे जा रहे हैं। ना सिर्फ दिल्ली पुलिस के इंतजाम है बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी इंतजाम जो है वो तमाम जगहों पर देखे जा रहे हैं। पिछली बार जब राहुल गांधी से पूछताछ हुई थी, कई दिनों में करीब 50 घंटे की पूछताछ ईडी ने राहुल गांधी से की थी, उस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का बड़ा प्रदर्शन जो है देश की राजधानी में देखने को मिला था, जिसके बाद बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस के नेता हैं जिनको हिरासत में लिया गया था। और आज भी अगर एहतियातन दिखाएं तो दिल्ली पुलिस ने इंतजाम किए हैं क्योंकि आशंका यही है कि कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन कर सकते हैं और ये बसेस जो हैं तमाम इलाकों में खड़ी हुई देखी जा सकती है और इन्हीं बसेस में जो कार्यकर्ता हैं उनको हिरासत में लिया जा सकता है। आप सामने देखिए, सामने भी आपको रोड से कोई ट्रैफिक नजर नहीं आएगा। इस तरफ आता हुआ जनपद रोड पर 10 जनपद की तरफ ट्रैफिक नहीं आ रहा है क्योंकि सामने से उसे डाइवर्ट कर दिया गया है। और इधर देखिए पूरी फोर्सेस जो है आपको नजर आएगी। सवालों की अगर बात करें तो ऐसा बताया जा रहा है कि ईडी ने सवालों की एक लंबी फहरिस्त जो है वो तैयार की है। 8 जून वो तारीख थी
जब सोनिया गांधी को पहला नोटिस भेजा गया था लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर 23 जून को समन भेजकर उन्हें ईडी ने बुलाया था लेकिन पोस्ट कोविड इन्फेक्शन की वजह से वो नहीं गई थी ईडी के सामने, लेकिन अब वो पूरी तरह से स्वस्थ बताई जा रही है और करीब 10:30 बजे के बाद वो अपने घर से रवाना हो सकती है, क्योंकि 11 बजे का वो टाइम बताया जा रहा है जब सोनिया गांधी ईडी के समक्ष पेश होंगी। शुरुआती जो सवाल होंगे उसमें माना जा रहा है कि वही सवाल हो सकते हैं जो पूर्व में राहुल गांधी से हो चुके हैं, लेकिन ये जो फेहरिस्त है वो धीरे धीरे थोड़ी टिपिकल होती जाएगी सवालों की, और सवाल टिपिकल होते जाएंगे, निश्चित है कितनी लंबी पूछताछ होगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन क्या कुछ जवाब सोनिया गांधी की तरफ से दिया जाता है उसको लेकर भी जानकारी है कि उन्होंने अपने वकीलों से बात की है और जवाबों की तैयारी जो है वो की है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी ईडी दफ्तर तक सोनिया गांधी के साथ जा सकते हैं। इंडिया न्यूज की पूरी खबर पर नजर है, हम भी लगातार सोनिया गांधी को ईडी दफ्तर तक और वहां से इनसाइड स्टोरी पर पूरी तरह से फॉलो करेंगे। दिल्ली में कैमरामैन दिलीप के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।